खुशामदीद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज मैं हिंदी सिनेमा का वो सितारा आपके लिए चुनकर लाया हूं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, या कहें फर्स्ट फैमिली ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये वो शख्सियत हैं जिनकी चार पीढ़ियों ने अपना योगदान दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। ये वो सितारा है जिसने अपनी पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड हासिल किया और उसके बाद से अपने 40 साल के करियर में लगभग हर साल एक ना एक फिल्म देते रहे हम दर्शकों को, और उस सितारे का नाम है श्री ऋषि कपूर। हमारा सौभाग्य है कि ऋषि जी आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनु जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आप लोग ने भाई, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस एफर्ट। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें ये शर्फ हासिल हुआ आपसे फोन पे बात करने का, और किसी दिन अगर भगवान ने चाहा तो रूबरू आपसे, आपके सामने आपका इंटरव्यू करने का सौभाग्य हासिल होगा। जरूर करेंगे, लेकिन सुनने वालों को तो सुनाई देगा ना, देखे रूबरू देखेंगे तो नहीं वो। सर, सुनने वाले मतलब इस हिंदुस्तान के इतना कह सकता हूँ 90 करोड़ लोगों को तो आवाज से ही पता पड़ जाएगा कि ये कपूर खानदान का चश्म चिराग ऋषि कपूर की आवाज है। आप वैसे कैसे भूल गए जी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, कपूर हूँ। बिल्कुल, हम सब भाई हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है। ऋषि कपूर साहब का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को, माता श्रीमती कृष्णा कपूर और पिता श्री राज कपूर, मुंबई में ही जन्म हुआ था। आज ऋषि जी लाइन पर मौजूद हैं। ऋषि जी, 4 सितंबर 1952 को जन्म हुआ था तो घर परिवार यहीं पे रहता था जहां पे अभी हैं, आंटी रहती हैं जहां पर, वही घर? हम चंबूर में रहते, चंबूर में मतलब, हाँ चंबूर में थे, मेरी पैदाइश मुंबई की है। जी, मुंबई की पैदाइश है। घर याद है बचपन का? हाँ जी बिल्कुल याद है। कहाँ पे था? चंबूर में था, शांति निकेतन घर था जी, और मटुंगा में भी हम रहते थे जी, जहाँ मेरे दादा दादी भी थे। जी जी जी, आरपी मसानी रोड, पंजाबी लेन उसे कहा जाता था जी, खालसा कॉलेज के बहुत करीब है वो। जी जी, ऋषि कपूर का बचपन और बचपन का वर्णन श्री ऋषि कपूर की ही जुबान से। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये सुना गया है कि बॉबी की रिलीज के बाद जब आप स्टार बन गए तो आप कहते थे भाई मैं 2.5 रुपए का एक्टर हूं, ये इसकी कोई खास वजह थी? मैंने कभी कहा ही नहीं मैं 2.5 रुपए का था, मैं तो 2.5 लाख रुपए का था। तो ये मतलब इंटरनेट के ऊपर सारी गलत अफवाहें हैं सर, ये इंटरनेट बकवास लिखती है। आप जरूरी नहीं कि जो वो लिखे आप उसे सच मानिए, बहुत सी उसमें रविश बातें हैं, ऐसी कभी कोई बात नहीं थी। मैं तो ये कहता था, मैं तो अपने होशो आवाज खो बैठा था, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि 21 साल की उम्र में एक आदमी को इतनी प्रशंसा, इतनी सक्सेस, इतना आपको नाम शाम मिलेगा जो मुझे बाय चांस मिल गया। मुझे तो बाय डिफॉल्ट मिला ना, इट वॉज नेवर सपोज टू बी दैट आई वाज टू बी मेड इनटू अ स्टार, मैं तो बन गया। वो पिक्चर तो राज कपूर साहब ने अपने लिए बनाई थी, ये थोड़ी बनाया था कि ऋषि कपूर को लॉन्च किया जाए। जी जी, वो तो लॉन्च, वो पिक्चर बनाई थी जिसमें मेन रोल तो टिम्पल का बढ़िया का था। ऑफ कोर्स फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी वो तो। बिल्कुल, तो वो तो बाय चांस मैं बोलते ना बाय डिफॉल्ट हीरो बन गया। फोन पर हमारे साथ हैं ऋषि साहब, आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक फिल्म के बारे में और हमारे दर्शक आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसे आप करना नहीं चाहते थे, बेमन से सेट पर गए और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया कि मन लग गया? नहीं नहीं, फिल्म मैं कभी 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 करना ही नहीं चाहता था। लोगों ने मुझे, यश चोपड़ा साहब ने करीबन 1.5 महीना मेरे पीछे लगे रहे कि तुम्हें करना ही पड़ेगा पिक्चर, इंक्लूसिव शशि कपूर, मेरे जो चाचा हैं शशि कपूर, वो कहते थे कि तुम्हें करना होगा। मैं फिल्म इसलिए नहीं करना चाहता था बिकॉज मैं समझता था कि इसमें नीतू का बेटर रोल था, तो मैं उनको कहता था कि काम करो, रोल कन्वर्ट कर लो, मैं नीतू का रोल करता हूँ, मेरा रोल नीतू को दे दो। वो बोले जी कहानी थोड़ी खराब कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो करूंगा नहीं पिक्चर।
तो वो लगे रहे। और आज मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी बेवकूफी करने लगा था कि मैं इस पिक्चर को रिफ्यूज कर देता, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि मेरी इतने रेपर्टोर में जितनी तमाम फिल्में हैं, एक उनमें से एक ये पिक्चर है कभी कभी जो मेरे बहुत क्लोज है, बहुत मैं लोग इसे पसंद करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस पिक्चर में मैंने हिस्सा लिया। पता नहीं, कुछ कभी कभी होता ना कि आपकी किस्मत में फिल्में होती हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी, आप समझे, आप जो भी कर लें कि आप ना करना चाहें, लेकिन वो ऐसे ही हुआ कि मुझे ये फिल्म करनी थी, तो इसलिए मेरी किस्मत रहती है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि कम से कम ये जो फिल्म कभी कभी का आपने जिक्र किया वो इंटरनेट के ऊपर सही जानकारी है, और आज से बड़ा सौभाग्यशाली दिन क्या हो सकता है कि आज आपके मुंह से ही सही जानकारी मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमारा सौभाग्य के ऋषि कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ही बताएंगे कि कब हुई थी मुलाकात उनकी पहली बार नीतू जी से। फिल्म के सेट भी हुई, फिल्म आई थिंक नाम था जहरीला इंसान। अच्छा, या रफू चक्कर, मुझे याद नहीं, रफू चक्कर या जहरीला इंसान, इन दोनों की पिक्चरों में नहीं, पहली मुलाकात हुई जब तो मैं फिल्म शूटिंग कर रहा था बॉबी की, और वो गाना चल रहा था हम तुम्हें कमरे में बंद हो जी। और उसमें एक गाने का एक शॉट हो रहा था जब वो आई थी शूटिंग देखने, बॉबी के सेट पे मुलाकात हुई। जी, बॉबी के सेट पे मुलाकात हुई थी, तब वो फिल्मों में काम नहीं करती थी जी। तब हम सब सभी छोटे थे जी। तो यहाँ पे आपने पहली बार भाभी जी को देखा? देखा था, मुलाकात हुई थी। और ये प्रेम का अंकुर, प्रेम का बीज पुष्पित कैसे हुआ, कहाँ पर? कुछ कोई कहाँ जानता है प्रेम का अंकुर कब कब होता है यार, वो दिलों दिलों की बात है, दिल जानता है यार, अपने आप को नहीं जानते। कोई डेट नहीं होता है इश्क का, हमने इस दिन करनी है और इस दिन से शुरू हुई थी। नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ से कहीं ना कहीं हो गया, पता नहीं कब कौन से दिन जागृति हुई, कुछ याद नहीं कब कब हुआ। ये तो बात पक्की है कि फिल्म इंडस्ट्री जहां पे संबंध ऐसे टूटते बनते बिगड़ते हैं, उनमें ये जो जोड़ा है जो सलामत रहे, भगवान करे शताब्दी आप मनाए भाभी जी के साथ और आप दोनों सुखी। नहीं नहीं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, आपका आइडियल जोड़ा माना जाता है, आइडियल जोड़ा माना जाता है। और सीधी सिंपल सी बात है कि वैवाहिक जीवन में कुछ उठा पटक अगर आई हो, चार बर्तन खड़े हों, वो पब्लिक का तमाशा आप लोगों ने कभी नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो किस्सा है मंगनी का, वो सही है जो इंटरनेट के ऊपर लिखा है कि फिल्म के सेट के ऊपर हुआ था, इस तरह से एक शादी में गए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली था ये कि मैं किसी एक रिलेटिव की मंगनी के लिए गया था, मैं दिल्ली जी, रविंद्र कुमार साहब की, रविंद्र कुमार जो एक्टर थे उनकी बेटी की मंगनी हो रही थी हमारे किसी रिलेटिव के साथ, डिंपल, तो मैं उस मंगनी में गया था जहाँ मेरी सिस्टर ने जबरदस्ती मेरी भी मंगनी करा दी। अच्छा, रितु जी ने? जी हाँ, मेरी बड़ी बहन है रितु, रितु नंदा जी, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरी भी मंगनी करवा दी नीतू को, चुपचाप जो मेरा बिना, मेरे बिना जाने, किसी के ना जाने के बिना वो, उन्होंने, हमारे प्रोड्यूसर होते थे रमेश बहल साहब, आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ी पिक्चरें बनाई हैं, कसमे वादे, ये वो बड़ी, और मेरा एक प्रोड्यूसर होता था जो खेल खेल में का, झूठा कहीं, बड़ी पिक्चर उन्होंने बनाई, ये जो करण मल्होत्रा है अग्निपथ का जो डायरेक्टर है उसका बाप, जी जी जी, तो ये सब, ये दोनों नीतू को दिल्ली में लाकर उन्होंने चुपचाप से मेरे बगैर जाने मुझे बैठा के वही उसी जगह पे मेरी भी मंगनी करा दी थी, तो किस्सा ये हुआ था। और सबसे पहली बात, ये बिल्कुल सही है कि ये तो ऑथेंटिक है कि सबसे पहली बार आपने जब कैमरा फेस किया तो वो फिल्म थी श्री 420। हाँ, अगर 2 साल की उम्र में अगर आप कैमरा फेस करने की बात करें तो ठीक है, वो श्री 420 ही थी। बिल्कुल, मैं तो मानूंगा क्योंकि आपने कैमरा तो फेस किया, 2 साल में जहाँ लोग, और मैंने इतना परेशान किया, जब लोग बोलते हैं मैंने इतना परेशान किया, बिकॉज बारिश का दृश्य था जी। और वो पानी जब गिर रहा था तो मुझे बहुत, मैं 2 साल का था तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बस सिर्फ रो ही रहा था और मैं शॉट देने को तैयार नहीं था, तो मेरे स्टार्ट टेंटम्स उस वक्त से शुरू है। अच्छा, 2 साल की उम्र से, और फिर नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट दे दे के वो शॉट करवाया, मुझे ब्राइब किया गया था चॉकलेट के साथ। अच्छा, और पापा जी का क्या था, पापा जी ने केयर किया के? अब वो याद ही नहीं है यार, ये मुझे ऐसे ये कहानियां मुझे सब लोगों ने बाद में बताई हैं। तो डैडी ने बस रोते रहा, मैं शॉट देने को तैयार नहीं था, पर नरगिस जी वो चॉकलेट बोलते, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम आओ बारिश में, तो रेनकोट पहने, अपने बड़े भाई और अपने बड़ी बहन का हाथ पकड़े, एक शॉट में अगर आप जाने तो लेफ्ट टू राइट सिर्फ चलना ही था, वो मेरा एक्चुअली पहला शॉट था जिंदगी में। अच्छा, जो मेरे जहन में बात आ रही है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेडिंग एनिवर्सरी याद है आपको किसकी?
आपकी मेरी थोड़े ना जमीन चले, कल डिवोर्स हो रहा है मेरा जी। 22 जनवरी 1980। कौन सी? 22 जनवरी जी। 22 जनवरी 1980। सर आप हमें जो भी कुछ दिल के बात बताना चाहें, शेयर करना चाहें, आशीर्वाद देना चाहें। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम तो जानते हो, अपने दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो। जी जी। बहुत बढ़िया एक्टर हो, अच्छा तुम भी काम कर रहे हो। मैं ये जो मैं तुम्हारा प्रोग्राम हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है गाड़ी में या कहीं में मैं सुनता हूँ, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारे जो ओरेटरी जो तुम्हारी जो स्किल्स हैं बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी जो कमांड उर्दू और हिंदी पे बहुत अच्छा है। बस ऐसे ही तुम लोगों को सही तरीके से इन्फॉर्म करो, और जितने तमाम सुनने वाले आप जो भी शरीक हो अन्नू के साथ, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने मुझे जन्मदिन पे मुबारकबाद दी है, और आप लुत्फ उठाइए, मजा उठाइए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्राम एंड योर रेडियो चैनल। थैंक यू वेरी मच ऋषि साहब। और थैंक यू। और भाभी जी जो उनको मैं बहुत मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, मेरी तरफ से उनको नमस्कार और जय हिंद कहिए। बिल्कुल कहूंगा। और आप अपने बड़े भाई रंजीत कपूर साहब को मेरी तरफ से जरा नमस्कार बोलिएगा। बिल्कुल जी, प्लीज। थैंक यू ऑल वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। मेहरबान दोस्तों, ख्वातीनों हजरात, देवियों सज्जनों, आज सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आपने लाइव इंटरेक्शन सुना ऋषि कपूर जी का। ऋषि कपूर जी को अपने फिल्मी करियर में जिन सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया उनकी एक झलक आपको बता रहा हूं। 1971 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मेरा नाम जोकर के लिए। 1974 में उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फॉर फिल्म बॉबी। ऋषि साहब नॉमिनेट हुए थे 1980 की फिल्म सरगम के लिए फॉर बेस्ट एक्टर। 1983 में भी उनका नॉमिनेशन हुआ था फॉर बेस्ट एक्टर फॉर प्रेम रोग। 1986 में बेस्ट एक्टर फॉर तवाइफ, और 1990 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे चांदनी फिल्म के लिए। 2008 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2011 में उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर, फिल्म का नाम था दो दुनी चार। दो बार सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए। 2010 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर लक बाय चांस, और 2013 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फॉर अग्निपथ। बहुत सारे और भी अवार्ड्स मिले हैं उन्हें, लेकिन आज हमारा बहुत बहुत अच्छा दिन था कि उनके साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आज इस सुहाने सफर को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर की कुछ सुहानी यादें।